ये मंथ जुलाई का सार्कोमा अवेयरनेस मंथ है और इसी अवेयरनेस मंथ के लिए आज मैं हड्डी और मांसपेशी के कैंसर के बारे में कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं। जब भी कहीं कोई कोशिका का आकार बढ़ता है किसी भी जगह पे तो उसे हम ट्यूमर कहते हैं। समझने के लिए हम ये कर सकते हैं कि सार्कोमा का मतलब कैंसर। कई बार जब मैं समझाऊंगा तो मैं सार्कोमा शब्द का इस्तेमाल करूंगा। ट्यूमर के दो प्रकार हो सकते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी बोन के कैंसर या बोन के सार्कोमा। बेनाइन ट्यूमर्स अपनी जगह पे ही बढ़ते हैं, उस जगह को खोखला करते हैं और उसमें भी कई प्रकार के ट्यूमर आ जाते हैं, जिसमें कुछ को हम जस्ट ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं कि वो कैसा है। कई बार उसमें कुछ और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मांसपेशी में हमारे पास लाइपोमा है, अगर वो आकार में नहीं बढ़ रहा है, छोटा है, तो हम उसको वेट करके देख सकते हैं। दूसरे हड्डी के ट्यूमर हो गए, जैसे ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा या एक्जोस्टोसिस कहते हैं, कई लोगों में आपने देखा होगा जिसमें हड्डी का आकार कहीं पे बढ़ जाता है और ये लंबे कई सालों से रहता है वैसा ही, इसमें बदलाव नहीं होता। तो ये सब बेनाइन ट्यूमर है जिसमें हम लोग इसको जस्ट ऑब्जर्वेशन करके छोड़ सकते हैं। बट इसमें भी कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो लोकली एग्रेसिव कहलाते हैं, मतलब जिस जगह पे है वहां पे वो उस हड्डी को खोखला करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें हमें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। इसके विपरीत जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं या जो कैंसर है हड्डी के या मांसपेशी के या जो सार्कोमा है, वो बहुत तेजी से फैलते हैं, बहुत जल्दी बड़े होते हैं और इसमें ये संभावना रहती है कि ये शरीर में किसी दूसरे अंग में भी पहुंच जाए, जैसे लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, या फिर हमारे शरीर के दूसरे हड्डियों में या उसी हड्डी में भी और फैले। इसका इलाज बहुत सावधानी से प्रॉपर तकनीक के द्वारा करना चाहिए, ताकि ना सिर्फ हम ट्यूमर को हटा सके बल्कि जिंदगी को और उस अंग को भी बचा सके। तो जैसे मैंने बताया, पहला लक्षण है वो है कहीं पे भी स्वेलिंग या गांठ का होना, जो कि पेनलेस या पेनफुल दोनों हो सकता है। ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि अगर कोई गांठ बढ़ रही है तो डेफिनेटली वो कुछ सीरियस है, उसे हमें देखना चाहिए। दूसरा लक्षण, दर्द, पेन। यूं तो जब हम बड़े छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादा खेलेंगे, फिजियोलॉजिकल पेन होता है, जब हड्डियां बढ़ती हैं उसमें खिंचाव के कारण दर्द होता है, बुजुर्गों में आर्थराइटिस के कारण दर्द होता है, सो वो तो एक नॉर्मल दर्द है। बट जो कैंसर का दर्द है वो लगातार बने रहने वाला दर्द है। जब तक आप दवा खाते हैं ये दर्द कम रहता है, फिर से दर्द शुरू हो जाता है। जब आप सोते हैं, यदि दर्द आपको कभी सोने से जगा रहा है या रेस्ट करने पे भी आपको दर्द है, तो उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या है। यदि आप दवा ले रहे हैं, दर्द की दवा ले रहे हैं, दर्द ठीक हो जा रहा है बट तुरंत वापस आ जा रहा है, तो उसमें वेट करने की जरूरत नहीं है, उसको हमें टेस्ट करके देख लेना चाहिए कि क्या है। इसमें सिंपल टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ये करके हमें दिख जाता है कि हड्डी में या मांसपेशी में कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा लक्षण जिसे हम कहते हैं हड्डी का टूटना, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब है हड्डी बहुत मामूली सी चोट से टूट जाए। हम सबको पता, हम लोग देखते हैं हड्डियां शरीर की सबसे मजबूत जो कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज होती है, और ये टूटती नहीं है जल्दी जब तक कि ये अंदर से कमजोर ना हो जाए। किसी का एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूटती है, वो समझ में आता है। बट यदि किसी व्यक्ति को सिंपल कोई फुटबॉल खेलते हुए या बॉल फेंकते हुए या सीढ़ी से गिर करके हड्डी टूट जा रही है, इसका मतलब हड्डी में कोई ना कोई कमजोरी है। सो ये तीन वार्निंग साइंस हैं, ये खतरे के निशानी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कैंसर मरीजों की देखभाल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।